जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे टेलीफोन नंबर में भी 7 ही डिजिट है। जितनी मेहनत आप अपने बॉयफ्रेंड्स को फोन घुमाने में लगाती होंगी ना, उतनी मेहनत से आप इस गरीब को भी फोन कर सकती थी इफ यू वांट। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे हेल्प नहीं कर सकती। अब तुम आ गई हो तो मुझे जरा सी होप नजर आ रही है। अब क्या चाहूंगा, पहले की चाहते आपने कहां हासिल करके दी। ठीक है, वो सब नहीं हो सका जो हम लोग करना चाहते थे, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। मैं क्या करूं सरोज, तुम जानते तो वो कि कैसी कैसी महान हस्तियां हैं इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। दे विल टेक देयर ओन टाइम। उसे पहले सिर्फ आप मिलेंगे। और वो पुलिस वाले? पुलिस वाले त्यागी के आने से पहले ही छुपे होंगे, और जब त्यागी मुझे वहां नहीं पाएगा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। ये भी सच है डॉक्टर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इलाज किसका कर रहे हैं, मेरा या बबली का। कम ऑन मेधा, तुम नहीं जानती तुम्हारी याद का असर मुझ पर कैसा पड़ रहा है। भाई अब याद करने का स्टाइल अपना अलग अलग होता है ना, जैसे रूबी पतली हो रही है, मैं मोटा होता जा रहा हूं। अरे तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये ऐसे ही मुंह लटका कर बैठने का क्या मतलब हुआ? क्या हर वक्त मुस्कुराते रहना जरूरी होता है? हमेशा मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। देखो नीतू, मुझे सब नाटक नहीं होते। जब मेरा हंसने का दिल करेगा तब मैं हंस लूंगा। लेकिन ताज्जुब है, आजकल तुम्हारा हंसने का दिल क्यों नहीं कर रहा? नहीं कर रहा तो बस नहीं कर रहा ना। शायद मेरी ही गलतफहमी थी कि मेरी बेल हो गई और इस बात से तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी। किसी बातें कर रही हो नीतू, बेशक इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। लगता है बहुत कम खुशी हुई है इसलिए इतनी जल्दी खत्म हो गई। और एक मैं हूँ कि खुशी से मेरे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। तुम्हारे पास ये सोच कर आ जाती हूँ कि मेरे छूटने की खुशी तुम्हें सबसे ज्यादा हुई होगी। नीतू लेट्स बी प्रैक्टिकल। देखो जिंदगी एक खुशी के सहारे तो नहीं काटी जा सकती ना, जिंदगी तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और सुख दुख आते जाते रहते हैं। तुम्हें इतना प्रैक्टिकल होते हुए काफी कम देखा है, आदत नहीं है ना। खैर छोड़ो, कल तुम्हें हमारे घर आना है। क्यों? पापा ने मेरे आने की खुशी में पार्टी रखी है। नीतू प्लीज एक्सक्यूज मी आउट ऑफ दिस। व्हाट? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते? बाबा कल मेरे नाम पर पार्टी रखी है। इट्स प्रीटी सैड टू हियर दैट वाल्टर। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आया तो ये साबित हो जाएगा कि मैं तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हूँ? वेरी स्ट्रेंज। तुम्हारा बिहेवियर मेरी तरफ इतना बदल सा क्यों गया है? तुम्हें क्या हो गया है अचानक? तुम ऐसे गैरों की तरह क्यों मेरे साथ बिहेव करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे दुख पर दुख दिए जा रहे हो? हेलो हेलो रॉनी, हे आप कहाँ खोए हुए हैं? वो मैडम आप कपड़े बहुत कमाल पहनती हैं। वो आपकी कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है जी। थैंक्स। एक्चुअली क्या है कि ऐसे कपड़े मैंने जिंदगी में बस दूर से ही देखे हैं जी, इतनी करीब से तो पहली बार देखा हूँ मैं। आप मेरे कपड़ों में कहाँ खो गए? ये देखो, हम आपके लिए कार डीलरशिप के फॉर्म्स लाए। हाँ मैडम, ये फॉर्म तो बहुत पेचीदा है, वो पतंग की डोर की तरह उलझे कॉम्प्लिकेटेड हैं। रॉनी ये कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सीधा साधा तो है। मैडम मेरी बात मानिए, इस वक्त मेरी हालत इन फॉर्म्स को भरने की नहीं है, कुछ गलत सलत भर गए तो नया फॉर्म लाना पड़ेगा जी। कितनी मुश्किल से मैं अपने दोस्त से इसे मंगवा के लाई हूँ। मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ जी कि गलती होगी तो। चलो एक काम करो, सिर्फ इसमें साइन करो। ओके Yeah.
बाकी तो मुझ पे छोड़ देना, मैं इसे सबमिट भी कर दूंगी और भर भी दूंगी। ओके मैं चलती हूँ। बैठिए थोड़ी देर, बैठिए तो सही मैडम। अभी नहीं रहूंगी, फिर कभी। ओके बाय। यार ये तितली की तरह आती है, मंडराती है और फुर से उड़ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आई नहीं। रश्मि जी आपका रहने दे रोनी, चश्मा याद आएगा तो रोनी याद आएगा और फिर वापस आने का बहाना होगा। हाय हैंसम। नीतू प्लीज रो मत, आई एम सॉरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारी वजह से रोना पड़ेगा। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर चलूंगा। नहीं मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। नहीं तुम मुझे फोर्स करो, अरे तुम्हारा पूरा हक है। मुझे अब ऐसा नहीं लगता। देखो नीतू मैं तुम्हें सच सच बताऊं कि बात क्या है। एक्चुअली मैं काफी डरा हुआ हूं। डरे हुए हो किस बात को लेकर? वैसे मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं बताने से तो बात और भी बिगड़ रही है। आखिर बात क्या है? नीतू वो म्यूजिक कंपनी थी ना, उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। नीतू अब उस कंपनी में कुछ नई पॉलिसीज आई हैं और वो कुछ टाइम के लिए नए सिंगर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा वॉल्टर देर मत करो, रिकॉर्डिंग कर लो। नीतू उस वक्त तुम जेल में थी और तब मुझसे पॉसिबल नहीं था कि मैं कोई अच्छी धुन बना सकूं। मैंने बहुत कोशिश की, मैं तो चाहता था कि मैं अपनी पहली रिकॉर्डिंग पे बहुत अच्छी म्यूजिक कंपोज करूं, लेकिन तब मुझसे ऐसा नहीं हो सकता था और अब जब हो सकता है तो मौका ही हाथ से निकल गया। इतना मायूस मत हो वॉल्टर, और बहुत सी कंपनीज हैं और फिर तुम्हारे अंदर टैलेंट भी तो है, ये नहीं तो और सही। पर आई एम श्योर तुम्हारी कैसेट एक दिन जरूर निकलेगी। नहीं नीतू मैंने अपने हाथ से एक बहुत अच्छा मौका कमा दिया और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई बहुत अच्छी बात है। नहीं वॉल्टर ये उस म्यूजिक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम देखना कोई और कंपनी जब तुम्हारी कैसेट निकालेगी ना तो इस कंपनी को कितना पछतावा होगा। आई नो यू गोना मेक इट वन डे एंड यू विल मेक इट बिग। यस ऋषभ जी आप बिजी हैं? पूजा ऑब्वियसली बिजी हो, ऑफिस में लोग काम करने आते हैं। बोलो क्यों फोन किया? हमने यूं ही फोन किया, हम चाहते थे कि आप ऑफिस में भी हमारी याद रखें, इसीलिए हमारी याद दिलाने के लिए हमने फोन किया। कम ऑन पूजा, दिन रात तो तुमसे मिलता हूँ, फिर याद दिलाने की क्या जरूरत है? यानी आप हमें याद रखते हैं? ओह पूजा कोई काम की बात है तो बताओ, वरना मैं फोन रख रहा हूँ, आई एम वेरी बिजी। हमने आपका खाना घर पर भिजवा दिया है, आपने कहा था आप लंच घर पर करेंगे, आप आ रहे हैं ना? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। ओके और मैं अब फोन रख रहा हूँ। जी अच्छा ठीक है बाय। सर क्या है ये दलाल? सर ये श्वेता जी का प्रपोजल है, वो चाहते हैं कि उनकी गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का मर्जर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में हो जाए, इसमें उसकी सारी डिटेल्स। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने समझ क्या रखा है? मल्होत्रा ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो कोई भी आकर इसके साथ मिल जाए। छोटे तालाबों में तैरने वाली मछलियों को समुद्र की तरफ नहीं देखना चाहिए। मिस्टर दलाल आप ये फाइल मिस स्वेतलाना बैनर्जी को लौटा दीजिए और उनसे कहिए कि अपनी स्टूपिड पॉलिसीज को इस कंपनी में लागू करने की कोशिश ना करें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रपोजल एंड आई विल नॉट साइन दिस, इज दैट क्लियर? ओके सर कम इन। एक्सक्यूज मी
गो, आई एम गो तो नहीं हो सकता, आई 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 हैव टू गो, आई हैव टू गो। अरे इतना पढ़ लिख के क्या करेगी, दुनिया में जितने करोड़पति हैं ना वो सब अपने जैसे ही हैं, कोई तू कुछ आगे के बारे में सोचना। अरे उसी का तो इंतजाम कर रही हूँ, एक बार पढ़ लिख जाऊं, अच्छी थर्ड थर्ड अंग्रेजी बोलना लिखना आ जाए तो गरीबी अपने आप भाग जाएगी। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेंगी, तू भी तो ना हवा में बात करती है, तुझे बाहर की दुनिया का तो कुछ पता है नहीं। अरे देख जितने पढ़े लिखे हैं ना वो सारे बेरोजगार फुटपाथ पे घूमते रहते हैं, और जो अंगूठा छाप है वो सारी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कैसे सब अकल का खेल है। हो गया तेरा। देख प्रेम साहब ने मुझे कहा है एक बार तू अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएगी तो वो मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाएगी। नौकरी दिलवा देगी, वो तो तुझे चेयरमैन बना देगी। अरे मैं पैसे कमाने के लिए थोड़ी नौकरी करूंगी, अच्छा अंग्रेजी पढ़ लिख जाऊंगी तो बोलने का तरीका आ जाएगा, फिर नौकरी तो अच्छी कहीं भी मिल जाएगी, और फिर जहाँ नौकरी करूंगी वहाँ लखपति लोग तो आते जाते रहेंगे ना, कोई भी पैसे वाला आदमी मुझसे शादी कर लेगा। आते हैं ना, रोज आते हैं और आके पूछते हैं सुनीता रानी नौकरी पे कब आएगी, और शहर के जितने लखपति कुंवारे हैं ना तेरे स्वयंवर के लिए बैठे हुए हैं। अरे तू मेरी बात मान ले, जो कुछ भी बचत किया है उसको शेयर मार्केट में लगा दे। देख मैं अपनी मेहनत की कमाई तेरे जैसे जुए में नहीं उड़ाऊंगी। जुआ कैसे हो गया, तेरे को शेयर के बारे में कुछ पता है? जिसके बारे में मैं कुछ जानती नहीं उसमें मैं अपनी मेहनत की कमाई क्यों डालूं? ये तो मैं कभी भी समझदारी की बात समझा ही नहीं सकता। समझाता क्यों है फिर? क्यों रे शंकर? अरे माँ जी, तू तो उल्टे सीधे काम करता है, अब सुनीता को भी बिगाड़ रहा है। माँ जी बताइए इसमें बुराई क्या है, आधी दुनिया इसमें इन्वेस्ट करके कमा रही है ना। अरे इस शेयर मार्केट का तुझे अता पता भी है कि नहीं? है ना माँ जी, है। मेरे कितने दोस्त है ना ड्राइवर सब, तो उन्होंने गाड़ी खरीद के अब उन्होंने भी ड्राइवर रख लिया है। लेकिन तू इसमें कहीं फंस ना जाए। नहीं इसमें फंसने का क्या है माँ जी, मैंने तो 2000 रुपया लगाया था और 2000 लगाया और मुझे 10000 रुपया मिले, जब एक झटके में इतने पैसे मिल गए तो मैं तो चाहता हूँ ना कि अपने जितने लोग हैं सब कमाएं। इसका मतलब तूने इसमें रुपए लगा भी दिए? हाँ लगाया ना माँ जी, एक झटके में बैठे बैठे 2000 लगाया और 10000 मिला, बताइए किसी धंधे में ऐसा होता है क्या? लेकिन वो 8000 तेरे हाथ में आए कि नहीं? आए ना माँ जी, रोकड़ा है मेरे पास में, और आजकल तो मेरी जान पहचान भी बढ़ गई है। मैं तो कहता हूँ ना माँ जी आप भी इसमें लगा दीजिए, आपको कोई चिंता नहीं करना है, आप सिर्फ लगा के बैठ जाइएगा, आगे मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। अच्छा। अब मिल जाएंगे मेरे 10000 रुपया। मिस्टर दलाल, एक्सक्यूज अस। मिस्टर दलाल प्लीज बी हियर। मिस्टर दलाल आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैबिन किसका है? सर आपका है। तो फिर आप यहां मेरी परमिशन से आए थे और मेरी ही परमिशन से बाहर जाएंगे, चाहे इस कैबिन में ऐसे लोग मौजूद हो जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हो, लेकिन वो आपको यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते, इज दैट क्लियर? आप क्यों सॉरी कह रहे? सॉरी तो किसी और को महसूस करना चाहिए। मिस्टर दलाल आप इस कंपनी के कई नए लोगों से बहुत ज्यादा पुराने हैं, और इन नए लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपको एड्रेस करते वक्त पहले या बाद में प्लीज जरूर लगाएं। ये प्रैक्टिस मेरे पिता केशव मल्होत्रा के वक्त से चली आ रही है। एंड नाउ यू मे प्लीज गो। कहिए मिस्टर करण सिंह, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अवश्य सारी बातें मैं दलाल से कहने के बजाय आपने सीधे मुझे कही। आप ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों से कह सकते हैं जिन पर आपको पूरी तरह भरोसा हो, जिनकी समझ पर आपको यकीन हो, और जिन पर आपको भरोसा हो कि कही गई बातों को वो लागू करेंगे। और जहां तक आपका ताल्लुक है मिस्टर करण सिंह, मैं आपको अच्छी तरह जानता तक नहीं। आई डोंट थिंक ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है जितना बड़ा चढ़ा के बोलना है। आई गेस इट्स जस्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट। व्हाट? आई डोंट थिंक सो मिस्टर करण सिंह। मुझे लगता है कि बोर्ड मीटिंग का असर मुझ पर बहुत कम और तुम पर बहुत ज्यादा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि जब से तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किए गए हो तुम्हारी चाल ढाल तक बदल गई। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। देखो मिस्टर करण, मिस्टर दलाल इस ऑफिस के बहुत ही पुराने मुलाजिम हैं और यहां की सारी स्टाफ उनकी इज्जत करता है, एंड आई थिंक यू शुड डू द सेम। खैर गलती तुम्हारी नहीं है, तुम नए नए आए हो, आई एम श्योर बहुत ही जल्द यहां के सारे रूल्स और रेगुलेशंस अच्छी तरह समझ लो। Am I right?
एनीवे मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि स्वेतलाना जी का जो प्रपोजल है उस पर आप थोड़ा गौर करें। स्वेतलाना का प्रपोजल कॉन्सेप्ट लेवल पर ही गलत है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस रिडिकुलस। ये गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस एक प्रॉफिटेबल वेंचर है और जिस तरह से आज हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है उसके लिए ये सिर्फ एक कंपनसेशन ही साबित होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं। ओके ओके ऑलराइट। आपके कहने पर मैं इस प्रपोजल पे फिर से गौर करूंगा। इज दैट फाइन? थैंक यू सर। कैन आई गो? प्लीज फील फ्री। Yes, come in. आओ। सर आप कहीं जा रहे हैं? वे कार में। हाँ सर, जरा ये फाइल दिखानी थी। दलाल अगर जरूरी नहीं है तो इस फाइल को बाद में देख लेता। हाँ सर, कोई इतना जरूरी भी नहीं है। आज की मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं सभी कैंसिल कर दी जाए। घर पर पार्टी है, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है सर, अगर आपका कोई मैसेज हुआ तो देविका जी के यहाँ फोन कर दूंगा। मैं वहां नहीं, अपने घर पर हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है जनाब। जब भी किसी गवर्नमेंट फॉर्म में एड्रेस भरना होता है तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई रियली गेट मिक्स्ड अप। सर वो कोई काम है और? हाँ सर, आपके लिए शीला जी के बहुत फोन आ रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दो? देखो दलाल, अगर कभी भी शीला का फोन आए तो मेरे बारे में उसे कुछ ना बताया जाए और उसका फोन यहां आता है इसका जिक्र किसी से मत करना। आई अंडरस्टैंड। आई नो आई कैन ट्रस्ट इन यू। Thank you. Okay, bye. Yes, hello. Hello, Mahen. हाँ शीला बोलो। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। I'm sorry, शीला, मैं busy हूँ। सचमुच बिजी हो या टालने की कोशिश कर रहे हो? वाकई बिजी हूँ, एक पार्टी में जाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नीतूज बेल। मुझे मालूम है उसी की खुशी में घर पे पार्टी है। तुम्हें कैसे पता चला? जिसकी फिक्र होती है उसके बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एनीवे, यू एंजॉय योर पार्टी, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। Yes, Karan. Well, that's good news for you. सारे डायरेक्टर्स ने प्रपोजल पे साइन कर दिया है सिवाय ऋषभ के। क्यों, उसे क्या ऑब्जेक्शन है? बेकार की जिद, खानदानी क्वालिटी है भाई। प्लीज करण, नो पर्सनल कमेंट्स। कोई वैलिड रीजन होगा? रीजन वैलिड तब हो सकता है जब आपने प्रपोजल पढ़ा हो। बिना पढ़े आप कह देते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट लेवल पे पसंद नहीं। कॉन्सेप्ट लेवल पर? कुछ नहीं, बोर्ड मीटिंग का स्कोर सरल कर रहा है, दैट्स इट। नहीं नहीं करण, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। या फिर उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी। अच्छी खासी बहस कर बैठा मुझसे और ईगो तो ऐसा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं पता करती हूँ आखिर रीजन है क्या। नहीं नहीं कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से उसके साथ आप एक दिन शाम को बाहर जाइए, प्यार से आराम से दो बातें कीजिए, डिनर खिलाइए, पैम्पर इज ईगो, साइन कर देगा।